फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए कुछ अच्छी सी रेसिपी आप लोगों को दिखा रही हूँ, घरेलू नुस्खा जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आजकल कोरोना का कोविड का चल रहा है, महामारी जो चली हुई है, उसी के लिए मैं इम्यूनिटी पावर के नुस्खे बताने जा रही हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, दो से तीन चम्मच के अलावा मैंने सौंफ लिए हैं, चीनी लिए हैं, ये भी चार चम्मच के लगभग में है, जीरा है, इसे मैं ली हूँ, ये तुलसी की पत्ती है जो आप जानते हैं कितनी गुणकारी होती है। आप भी इसी तरह के तुलसी के पत्ते को अच्छे से धुल लें और उसे ठंडी में पंखे की हवा में आप 1 से 2 दिन तक सुखाएं। अब मैं मिलती हूँ आपसे सुखा करके। आप देख सकते हैं, मैंने तुलसी के पत्ते को पंखे की हवा में 2 दिन तक इसे सुखा लिया। देखिए कितने करारे हो चुके हैं। आप भी इसी तरह सुखा ले। और मैं इसे मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल करके डालूँगी। इसके साथ मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो भी उसमें आप ऐड करते जाएं और मिक्सी को अच्छे से चला ले। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि आप लौंग डाल सकते हैं और अजवाइन डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। गर्म पानी के साथ इसे आप लेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा। अब मैं इसे ग्राइंड करके आप लोग को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना इसका फाइन पाउडर बना है। आप इसे एक जार ले लें, शीशे की जार ले, उसमें आप इसे स्टोर करके आप 1-2 महीने के लगभग भी, ये जल्द ख़राब भी नहीं होता क्योंकि इसमें सारे चीज़ ही सूखे हुए हैं। आप गर्म पानी के साथ इसे रात को सोते वक्त खुद खाएं, बच्चों को दें, इससे इम्यूनिटी पावर मजबूत रहती है और आपको ना सर्दी खांसी अधिक होगी। बरसात के मौसम में, मौसम जब चेंज होता है उस समय भी आप इसे इस्तेमाल करें, बच्चों को दें, बहुत टेस्टी होता भी है और बच्चे आसानी से इसे खा भी लेते हैं। प्लीज़ आप लोग भी इसे, इस घरेलू नुस्खे को अपनाएं और अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखें। और कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे घरेलू नुस्खे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।